वही उमरिया जिले में मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद भी अवैध क्लिनिक बंद नहीं हो रहे हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के चलते लोगों की जान जा रही है। पूर्व में भी ऐसा ही मामला सामने आया था और अभी समीर अधिकारी बंगाली डॉक्टर के इलाज से दो आदिवासी महिलाओं के बच्चों की मौत होने का आरोप लगा था। वही अब ताजा मामला सामने आया है जहां झोला छाप डॉक्टर अपनी जेब भरने में लगा हुआ था और गरीब का इलाज करते जा रहा था और ज्ञान सिंह मार्को ने अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया और उसकी मौत हो गई है। कि मेरे मामा का लड़का 11 तारीख को बोला हॉस्पिटल जाना, वो बोला 5 नंबर लेके जाना है। फिर मैं उसको 5 नंबर बंगाली डॉक्टर के पास ले गया, वहीं जाके इलाज करवाया, फिर चला आया। शाम को आते ही शाम को फिर से बुखार आ गया, तो दूसरे दिन फिर बोला कि यार बुखार है, फिर लेके चलो। फिर दूसरे दिन लेके गया तो ब्लड चेक करवाया, फिर इलाज हुआ। फिर मैं मरीज से पूछा कि यार क्या निकला, तो बोला टाइफाइड निकला। फिर वो 5 दिन के लिए इंजेक्शन के लिए बोला डॉक्टर। फिर मैं तीसरे दिन फिर लेके गया, फिर भी बुखार उसका नहीं उतर रहा। फिर मैंने इंजेक्शन लगा है उसके पास 4 दिन इंजेक्शन। आपके द्वारा जो जानकारी मेरे संज्ञान में आई है उसमें परीक्षण करेंगे जाकर, मतलब गुफी देखेंगे और जो भी कार्रवाई इसके माध्यम से होना होगा उसको हम लोग करेंगे।